ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा अपने तर्ज का एक बहुत ही कामयाब बेहतरीन मंसूबा है। जब हमने इसमें ट्रैवल किया तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इस कदर खूबसूरत ट्रेन है। अभी आप देख सकते हैं कि जब ये किसी भी स्टॉप से गुज़रती है तो अनाउंसमेंट्स होती हैं। किराए की बात करें तो 40 रुपये किराया है, 27 ट्रेनें चलती हैं, और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 27 किलोमीटर यानी एक जगह से दूसरी जगह तक लाहौर में जो ट्रैवल करती है 27 किलोमीटर तक है, जिसके दौरान 26 स्टॉप्स आते हैं। और अंडरग्राउंड स्टेशन इसके दो हैं, जिसमें से मैंने कैप्चर भी किए हैं, आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं। अगर पैसेंजर्स की बात करें तो एक वक्त में इसमें 250 पैसेंजर्स सवार होते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग भी सवार हो जाते हैं। ट्रेन का व्यू इतना खूबसूरत है, इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत आबादी है, इसके अलावा जो ग्रीनरी का एरिया आता है वो बहुत खूबसूरत है। समटाइम्स हमें जब ट्रेन पे सवार होते हैं तो ऐसा लगता है कि पिछले वाले जो डब्बे हैं वो गायब हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन जो है वो सीधी होती है वापस सब आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे स्टॉप्स गुजरते जाते हैं सिग्नल जो है वो ग्रीन की तरफ जाते जाते हैं। टिकट लेने के यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो काउंटर से हम टिकट ख़रीद सकते हैं और दूसरा यहाँ पे रिचार्ज सिस्टम है, यानी कि हम लोग पैसे डालकर उससे टोकन ले सकते हैं। 100 रुपये से ज़्यादा का नोट इस पर नहीं चलता और सारे तरीक़ाकार इस पर मेंशन है, इजीली आप पढ़ सकते हैं। एक वक्त में एक टोकन आप लीजिए और एंड तक जा सकते हैं। 40 रुपये का ये टोकन है और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं और टोकन ले सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा रखा गया है, सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है, स्टेयर्स बनाई गई हैं, एलिवेशन सिस्टम है, अंडरग्राउंड जो स्टेशन आते हैं उनका व्यू बहुत खूबसूरत रहा। हर तरीके से मुझे ये जो ट्रेन है ये अपनी तर्ज का एक आला नमूना लगी। मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतने अच्छे लेवल पे काम होना एक मिरेकल से कम नहीं है। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसको कितना सेफ़ रखते हैं, साफ़ रखते हैं, कितना यूज़फुल अपनी आने वाली जनरेशन के लिए रहने देते हैं। मतलब किसी चीज़ को जब हम बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कैसे बच सकती है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसका ख्याल भी रखें। अगर इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा हल्का हाथ रखें। चुबुर्जी स्टॉप गुजरता है, बहुत खूबसूरत। बस एक चीज़ जो लाहौर में मिस होती जा रही है वो कि हरियाली ख़त्म होती जा रही है, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के जो सरमाया है, हमारा ये जो ट्रेन का जो सरमाया है, इसको अल्लाह ताला महफूज रखे और हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत दे के हम लोग इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी के लिए हर जगह पे मेंशन किया गया है, आलात रखे गए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ एग्ज़िट के जो रास्ते हैं वो क्लियरली बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा मंसूबा है, एक बहुत ही अच्छी ट्रेन है। आप सब ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और फिर मुझे नीचे ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको इसका ट्रैवल कैसा लगा। हर जगह पे स्क्रीन्स मेंशन है, हर जगह पे टिकट लेने का या टोकन लेने का तरीक़ाकार बताया गया है, हर जगह पे बताया गया है कि ट्रेन से कितने फासले पे रहें, हर चीज़ को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। जगह जगह स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिसके ज़रिए हमें हर चीज़ से आगाह किया जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा मंसूबा लगा, समझने में भी आसान रहा।